गाइस बुंदेलखंड के दमोह में स्थित तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर में भगवान शिव अनादिकाल से विराजमान है। इनकी ख्याति मध्य प्रदेश तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारतवर्ष में है। 3 बजे तक महाभिषेक पूजन होता है। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित रहते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं आपका भाई आपका दोस्त सागर सज्जल फिर से आ गए एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। गाइस आज का ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अभी मैं पहुंच गया हूँ मध्य प्रदेश के बांदकपुर के महादेव जी के मंदिर में। तो गाइस आगे मैं आपको महादेव जी के मंदिर के बारे में बताऊँगा और महादेव जी के मंदिर के दर्शन भी करवाऊँगा। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। गाइस भारत में विख्यात मध्य प्रदेश एवं बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सिद्धपीठ श्री जागेश्वर नाथ श्री महादेव मंदिर दमोह जिला के बांदकपुर में स्थित है। स्वयंभू शिवलिंग श्री जागेश्वर नाथ जी मंदिर दीवान बालाजी राव चंदोरकर ने सन 1711 में बनवाया था। गाइस महादेव जी के मंदिर से पूर्व की दिशा में करीब 100 फीट की दूरी पर जो है माता पार्वती जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, वहां पर भी हम लोग जाएंगे, वहां पर भी दर्शन करवाएंगे। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। गाइस बुंदेलखंड के बांदकपुर स्थित जागेश्वर धाम में विराजित शिवलिंग सालों से जो है लोगों का आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। गाइस जागेश्वर धाम का यह शिवलिंग हर साल जो है चौड़ा होता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, यह अब तक जो है आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। गाइस बुंदेलखंड के दमोह में स्थित तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर में भगवान शिव अनादिकाल से विराजमान है। इनकी ख्याति मध्य प्रदेश तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारतवर्ष में है। गाइस यही कारण है कि चारों धाम की यात्रा करने वाला इस तीर्थ के दर्शन किए बिना नहीं रहता। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। गाइस प्राचीन काल से ही बसंत पंचमी शिवरात्रि के पर्वों पर लाखों की संख्या में कांवड़ में पैदल चलकर लाया गया नर्मदा जी का जल श्री जागेश्वर नाथ की पिंडी पर चढ़ाकर जलाभिषेक किया जाता है। गाइस इसी कारण प्राचीन मान्यता है कि 1.25 लाख कांवड़ चढ़ने पर माता पार्वती एवं महादेव जी के मंदिर के झंडे एक दूसरे के मंदिर की तरफ झुककर आपस में मिलकर अपने आप गांठ बन जाती है। इन साक्षात चमत्कारों से अभिभूत श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव पार्वती के स्वयंवर का आनंद बड़ी उत्सव से मनाते हैं। इसमें दमोह 3 गुल्ली से भगवान शिव की बारात लेकर हजारों शिव भक्त आते हैं। माता पार्वती के गांव रोहनिया के बांदकपुर धाम से बारात जाती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव के दूल्हा बनने पर विशेष श्रृंगार सुबह 4 बजे से पूजन अभिषेक शुरू हो जाता है। इसमें भगवान को दोपहर 12 बजे भोग अर्पण करने के बाद रात्रि 7:30 बजे पर महाआरती व रात्रि 10 बजे से 3 बजे तक महाभिषेक पूजन होता है। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित रहते हैं। गाइस अगर आप महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने आते हो तो आपको यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था दी जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धर्मशाला बने हुए हैं। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और गाइस जो भी इस चैनल में न्यू है वो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।